हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपके गर्दन के नीचे वाले एरिया में गार्ड जैसा इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है और उनको दूर करना आप चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम सिंपल सी एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, इनको नियमित करके आप यह गार्ड जैसा उभरा हुआ पार्ट जो गर्दन के नीचे दिख रहा है उनको दूर कर सकते हो। यह उभरे हुए पार्ट को हम्प बोला जाता है। इनके होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा गलत पोस्चर। अगर आप लंबे समय के लिए इस तरीके से गलत पोस्चर में कंप्यूटर, लैपटॉप या तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, तो इनकी वजह से हमारे गर्दन के पीछे के और चेस्ट के आगे के जो मसल्स होते हैं वह टाइट होने लगते हैं और गर्दन के आगे के और हमारे अपर बैक के मसल वीक होने लगते हैं और लंबे समय के बाद फिर हमारी जो गर्दन होती है, जो सर्वाइकल स्पाइन होता है, वह पीछे की साइड बेंड होना शुरू हो जाता है और हमारी गर्दन इस तरीके से आगे आने लगती है, जिनको फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोला जाता है। और इनकी वजह से हमारा जो अपर थोरेसिक वर्टेब्री होती है वह पीछे की साइड इस तरीके से उभरना शुरू हो जाती है, वहां पर फैट का डिपोजिशन होता है और इनको ही हम्प और नेक बोला जाता है, यानी कि गर्दन के नीचे का गांठ जैसा उभरा हुआ पार्ट बोला जाता है। इनको दूर करना बहुत ही आसान होता है, सिंपल सी एक्सरसाइज करके आप इनको दूर कर सकते हो। यहां पर हम दो स्टेप में यह सभी एक्सरसाइज जानेंगे। स्टेप वन में स्ट्रेचिंग करेंगे, हमारे गर्दन के पीछे के और चेस्ट के आगे के मसल को रिलीज करेंगे। स्टेप टू में स्ट्रेंथनिंग करेंगे, गर्दन के आगे के और हमारे अपर बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज जानेंगे। तो ये सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहां पर हमें ये दोनों स्टेप को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा मसाज 2 मिनट के लिए कर लेना है। इनके लिए आपको इस तरीके से नैपकिन या तो टॉवेल लेना है, फिर हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है इनको एक्सपोज कर लेना है। इनके बाद फिर नैपकिन को इस तरीके से जो उभरा हुआ पार्ट है इनके ऊपर रख देना है, फिर दोनों हाथ से आमने सामने जो हमारा पार्ट है उनको रगड़ना है। वहां पर मसाज कम से कम 2 मिनट के लिए देना है। इनसे होगा क्या, जो हमारा पार्ट है वहां पर हीट पैदा होगी, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो वहां पर चर्बी जमा हुई है वह मोबिलाइज होना शुरू हो जाएगी, वहां का जो स्पाइन है वहां पर हीलिंग प्रोसेस जल्दी से होने लगेगी। इसीलिए आपको यह मसाज खास कर लेना है। इनके बाद फिर हमारा स्टेप 1 यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर लेनी है। यहाँ पर हमारे गर्दन के पीछे और हमारे चेस्ट के जो आगे के मसल्स है उनको स्ट्रेचिंग देना है। तो पहले गर्दन के पीछे के मसल के लिए जान लेते हैं। इनके लिए आपको इस तरीके से स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है। इनके बाद फिर गर्दन को इस तरीके से आगे झुकाना है, दोनों हाथ से हेड को आगे दबाना है। गर्दन के जो पीछे के मसल है वहां पर आपको स्ट्रेच फील होगा, आपकी चीन आपके चेस्ट के ऊपर टच होनी चाहिए, आपका जो अपर बैक है वह एकदम सीधा रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आगे झुक जाते हो तो आपका स्ट्रेच आपके अपर बैक के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पूरी इफेक्ट नहीं मिलेगी। इस तरीके से दबाना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। साइड पर से देख लेते हैं, स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है, गर्दन को आगे झुकाना है, हाथ से हेड को दबाना है, प्रेशर देना है, आपकी चीन आपके चेस्ट के ऊपर टच होनी चाहिए, आपका स्पाइन सीधा ही रहना चाहिए, इस तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद का दूसरा स्ट्रेच हमारे गर्दन के लिए इस तरीके से करना है, क्रॉस यानी कि ओब्लिक डायरेक्शन में हमारे गर्दन को ले जाना है, हाथ से गर्दन को अच्छी तरीके से दबाना है। यहाँ पर भी आपका स्पाइन सीधा ही रहना चाहिए, आपकी चीन चेस्ट के ऊपर टच होगी, जो हमारे पीछे के और जो साइड के मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड भी कर लीजिए, ओब्लिक यानी कि क्रॉस डायरेक्शन में गर्दन को ले जाना है, हाथ से हेड को दबाना है, आपकी चीन चेस्ट के ऊपर टच होगी, स्पाइन सीधा ही रहना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, यहाँ पर आपके पीछे के और जो साइड के मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है।
इनके बाद का स्ट्रेच हमारे चेस्ट के आगे के मसल के लिए हमें करना है। तो इनके लिए इस तरीके से दो चेयर लेनी है, इनको थोड़े से डिस्टेंस पर रख देनी है। इनके बाद फिर आपको घुटने के ऊपर आ जाना है, दोनों हाथों को चेयर के ऊपर ऐसे रख देना है, बॉडी को फिर दोनों हाथ के ऊपर लाना है। यहाँ पर आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में आना चाहिए। इनके बाद फिर आपको अपने बॉडी को ऐसे नीचे ले जाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर वापस से ऊपर लाना है, वापस से बॉडी को हाथ के ऊपर लाना है, शोल्डर और एल्बो एक लाइन में आने चाहिए। इनके बाद बॉडी को नीचे ले जाना है, जहां पर आपको चेस्ट के आगे के मसल पर स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए वहां पर रुक जाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, वापस आना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनसे हमारे चेस्ट के आगे के मसल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो यह हो गया हमारा स्टेप 1 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इनके बाद आता है स्टेप 2 यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमें करनी है। यहाँ पर हमारे गर्दन के आगे के और अपर बैक के मसल को हमें स्ट्रेंथनिंग कराना है। तो यहाँ पर गर्दन के आगे के मसल के लिए हमें पहली एक्सरसाइज चीन टकिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि इस तरीके से चीन को पीछे ले जाना है, वापस से आगे लाना है, पीछे लेना है, 10 काउंट होल्ड करना है, वापस आगे लाना है। साइड व्यू में से देख लेते हैं, स्पाइन को सीधा रख के पहले आपको बैठ जाना है, शोल्डर आपके पीछे रहने चाहिए, गर्दन को इस तरीके से पीछे खींचना है, चीन टकिंग करना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करके गर्दन को आगे ले जाना है, वापस गर्दन को पीछे खींचना है, 10 काउंट होल्ड करना है, गर्दन को आगे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनसे होगा क्या, हमारा जो यह फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा वह करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और हमारे गर्दन के आगे के मसल स्ट्रॉन्ग भी हो गए। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज हमारे गर्दन के आगे के मसल के लिए करनी है। यह एक्सरसाइज में दोनों हाथ की सभी फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करना है के बाद फिर हेड के सामने रख देना है, यानी कि फोरहेड को दबाना है, आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर आपके हेड को और आपके हाथ को आमने सामने दबाना है, दोनों का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, वापस से गर्दन को और हाथ को आमने सामने इक्वल प्रेशर में दबाव देना है, 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है, दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करना है, फोरहेड के सामने रख देना है। इनके बाद हेड को और हाथ को आमने सामने इक्वल फोर्स में दबाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमारे अपर बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर हमें कुल 4 एक्सरसाइज करनी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है, दोनों हाथ की सभी फिंगर को इंटरलॉक करना है, फिर हाथ को उल्टा करके इस तरीके से हेड के ऊपर खींचना है, अच्छी तरीके से स्ट्रेच देना है। के बाद फिर दोनों हाथ को कान के पीछे ले जाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाइए, वापस से हाथ को उल्टा घुमा के ऊपर लेना है, स्ट्रेच दीजिए, कान के पीछे लीजिए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर यही पोजीशन में हाथ को हेड के पीछे लेना है, दोनों एल्बो को पीछे स्ट्रेच देना है, फिर हाथ को गर्दन से ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड करिए, वापस से छोड़ दीजिए, एल्बो को पीछे खींचिए, हाथ को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हाथ को इस तरीके से कमर के पीछे अब पकड़ लेना है। इनके बाद फिर पहले शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके बाद हाथ को एल्बो में से स्ट्रेट करना है और कमर पर से ऊपर उठाना है, इस तरीके से ऊपर ले जाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। तो पहले शोल्डर को खींचिए, स्पाइन को सीधा रखना है, एल्बो में से हाथ को सीधा करना है और कमर पर से ऊपर उठा के 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। तो यह 3 एक्सरसाइज हो गई। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठ जाना है, एल्बो में से हाथ को 90 एंगल पर बेंड करना है, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक रहने चाहिए, के बाद फिर शोल्डर को पीछे खींचना है
और दोनों हाथ को ऐसे बाहर रोटेट करना है। 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर दीजिए। यहाँ पर आपके हाथ शरीर पर से इस तरीके से ऊपर नहीं उठने चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। पहले शोल्डर को पीछे लेना है के बाद फिर हाथ को ऐसे बाहर रोटेट करना है। 10 काउंट होल्ड के बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें यह चार एक्सरसाइज करनी है हमारे अपर बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो यह सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। तो यह दोनों स्टेप स्टार्ट करने से पहले हमने मसाज किया था, नेपकिन का इस्तेमाल करना है, हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है इनको एक्सपोज करके वहाँ पर इस तरीके से 2 मिनट के लिए हमें मसाज देना है। इनके बाद स्टेप 1 में हमने स्ट्रेचिंग किया था गर्दन के पीछे के मसल के लिए। इस तरीके से स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है, फिर गर्दन को आगे झुकाना है, आपकी चीन चेस्ट के ऊपर टच होनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इनके बाद ओब्लिक डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है, हमारे गर्दन के पीछे के और साइड के मसल को स्ट्रेच देना है। इनके बाद फिर हमारे चेस्ट के आगे के मसल के 2 चेयर का इस्तेमाल करना है, घुटनों के ऊपर आ जाना है, दोनों हाथ को चेयर के ऊपर रखना है, फिर आपके बॉडी को आगे लेना है ताकि आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में आ जाए। इनके बाद बॉडी को नीचे ले जाना है। इनके बाद स्टेप 2 में हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। गर्दन के आगे के मसल की हमें 2 एक्सरसाइज करनी थी। इसमें पहली एक्सरसाइज हमारी चीन टकिंग एक्सरसाइज है। इस तरीके से स्पाइन को सीधा रख के बैठ जाना है, फिर गर्दन को ऐसे पीछे खींचना है, 10 काउंट होल्ड, फिर आगे लेना है, इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। के बाद की दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करना है और फोरहेड के सामने रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, फोरहेड और आपके हाथ को आमने सामने इक्वल प्रेशर में दबाव देना है। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इनके बाद फिर हमारे अपर बैक के मसल के लिए 4 एक्सरसाइज हमें करनी है। पहली एक्सरसाइज में दोनों हाथ की फिंगर लॉक कर देनी है, हाथ को ऐसे हेड के ऊपर खींचना है, कान के पीछे लेना है, के बाद नीचे लेना है। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को हेड के पीछे रखना है, एल्बो को पीछे खींचे, हाथ को गर्दन पर से ऊपर उठाना है। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को कमर के पीछे इस तरीके से पकड़ लेना है, पहले आपको इस तरीके से शोल्डर को पीछे खींचना है, एल्बो को स्ट्रेट करिए और कमर पर से हाथ को ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। चौथी एक्सरसाइज में हमें स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, एल्बो में से हाथ को 90 एंगल पर बेंड करना है, शोल्डर को पहले पीछे खींचिए, इनके बाद दोनों हाथ को ऐसे बाहर लेना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने हम्प और नेक यानी कि गर्दन के नीचे वाले हिस्से में जो गार्ड जैसा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है इनको दूर करने के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज आपको सिखा दी। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।